नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 23 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एसबीआई ने अप्रेंटिस पदों के लिए निकाली भर्तियां। भारतीय स्टेट बैंक ने 8500 अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन sbi.co.in पर जाकर 10 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। अप्रेंटिस पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का स्थानीय भाषा का टेस्ट होगा। अप्रेंटिसशिप की अवधि 3 साल की है। चयनित अप्रेंटिस को बैंक में 3 साल के दौरान IIBF की परीक्षाएं क्वालिफाई करनी होंगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। बिहार के अरवल जिले के पर्यटन स्थल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। आज हम बात करेंगे पंच तीर्थ धाम की। पंच तीर्थ धाम का पुराना धार्मिक महत्व है। बापू पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में इसका जिक्र है। माना जाता है कि यहां स्थापित शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की थी। यहां पर एक सूर्य मंदिर भी है जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इस धाम पर खासकर चैत और कार्तिक छठ व्रत के दौरान हजारों श्रद्धालु पूरी तन्मयता से सूर्य की उपासना करते हैं। विश्व बैंक की मदद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था होगी दुरुस्त। विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में एनहांसिंग टीचर इफेक्टिवनेस इन बिहार कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं के लिए शिक्षा विभाग ने 222.87 करोड़ से अधिक राशि को मंजूरी दे दी है। इस राशि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षकों की बेहतरी के लिए विशेष शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी। इस परियोजना में विश्व बैंक और राज्य की हिस्सेदारी 70% और 30% है। हालांकि इस परियोजना के बजट में इस साल कटौती की गई है। जानकारी के मुताबिक विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में यह परियोजना 2015 में शुरू हुई थी। इस परियोजना के तहत 5 साल में 2,234 करोड़ रुपए 2021 तक खर्च किए जाने थे। वहीं अब इस परियोजना की संशोधित लागत 2,234 करोड़ की जगह 1,681 करोड़ ही रह गई है। आज से खुलेगा पटना विश्वविद्यालय का कैंपस। पटना विश्वविद्यालय में 23 नवंबर को कैंपस खुल जाएंगे। हालांकि क्लास अभी भी शुरू नहीं होगी, लेकिन दूसरे फेज के नामांकन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जिसके तहत ए रिजर्व कैटेगरी के काउंसलिंग की शुरुआत होने वाली है। पटना विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए 30 नवंबर तक आवेदन का मौका दिया गया है। पीएमआरआई को छोड़ पीजी के सभी विषयों के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिस पर नामांकन किया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 385 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,30,632 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 97 मामले सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 38 मामले सामने आए हैं। बिहार में 7200 करोड़ की लागत से बनेगा पहला फोर लेन एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनाया जाएगा। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में पहुंचना आसान होगा। लगभग 7200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और लगभग 30 महीने में पूरा होने की संभावना जताई गई है। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में पहुंचना आसान होगा। लगभग 7200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, जिसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और लगभग 30 महीने में पूरा होने की संभावना जताई गई है। बिहार में कोविड 19 के कारण जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की गई जान। बिहार में कोविड 19 का कहर लगातार जारी है। कोविड 19 से राज्य में 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच कोविड 19 में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष की जान भी चली गई है। जानकारी के अनुसार महेंद्र प्रसाद सिंह की 76 साल की उम्र में जान चली गई है। कोविड 19 से प्रभावित प्रदेश उपाध्यक्ष के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद सिंह गहरे रूप से पार्टी से जुड़े हुए थे। वो मधुबनी में मैथिली के प्रोफेसर थे। उनके गुजर जाने से सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी उनके गुजर जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता है। वो आज तक के विशेष कार्यक्रम के एक समाचार एंकर, वायर कार्यकारी संपादक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना और हिंदुस्तान टाइम्स पटना में भी काम किया था, जिसके बाद उन्होंने 1998 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काम करना शुरू किया था। उन्होंने न्यूज और सहारा के लिए भी काम किया है। वहीं साल 2009 से वो लगातार आज तक में बनी हुई है। वहीं 2005 में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया
द्वारा सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम के लिए पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। बिहार में अगले दो दिनों में गिरेगा पारा। बिहार के कई जिलों में बादल छाए रहने से पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 से 48 घंटे में तापमान 1 से 2 डिग्री नीचे आ सकता है। सुबह में उत्तरी पश्चिम दिशा में आ रही ठंडी हवा का आना जारी है, लेकिन बादलों के होने से रात के तापमान में इसका खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। मौसमविदों ने साफ कहा है कि नवंबर के अंत तक कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना का आकलन है कि दोबारा एक पश्चिमी विभोक्ष सक्रिय हो रहा है। यह पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की वजह से बनता है। बर्फबारी के 1 से 2 दिन बाद इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में इस मौसमी सिस्टम का असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। बिहार में हाईवे पर होगी बेहतर निगरानी। बिहार में स्टेट हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति की निगरानी शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्पीड नियंत्रण करने वाले उपकरण और कैमरे से कई स्थानों पर इसकी निगरानी हो रही है। परिवहन विभाग ने कुछ और स्थानों पर कैमरा लगाने का अधिक से अधिक गाड़ियों की रफ्तार को आंका जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क हादसों को कम करने के लिए नेशनल और स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी की तकनीकी सहायता से वाहनों की गति की निगरानी करेंगे। इसके पीछे विभाग की मंशा है कि एनएच और एसएच पर अधिक तेज गति से गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती से पेश आया जाए। आज से बिहार विधानसभा क्षेत्र का होगा आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नई विधानसभा का पहला सत्र आज यानी कि 23 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो कि 27 नवंबर तक जारी रहेगा। आज से शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष रोजी रोजगार भ्रष्टाचार किसानों के मुद्दे समेत कई मोर्चों पर सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार है। वहीं सत्ता पक्ष संख्या बल के आधार पर मजबूत विपक्ष को जवाब देने के लिए खास रणनीति बनाने में लगा है। जानकारों की तो संख्या बल के आधार पर मजबूत विपक्ष और फिर से सत्ता में लौटने के बाद बुलंद हौसले वाली एनडीए एक दूसरे का सामना अपनी अपनी रणनीति के तहत करेंगे, जिसके बाद आज दोनों पक्ष अपने अपने मजबूत स्थिति को दर्शाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंडर 16 स्कूल इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर बिहार के अभिषेक कुमार यादव पहले स्थान पर। स्कूल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 2020 में आयोजित अंडर 16 इंटरनेशनल मैच में बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर खिलाड़ियों का आकलन किया गया, जिसमें टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में बिहार के गोपालगंज जिले के अभिषेक कुमार यादव पहले स्थान पर है, जिन्होंने कुल 18 मैच में 53 विकेट लिए हैं और 650 रन बनाए हैं। इसके साथ ही इस सूची में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ने भी भाग लिया था। उनके खिलाड़ियों के नाम भी इसमें शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के गोपालगंज के अभिषेक कुमार यादव को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग के लिए भी चुना गया है। उनको इस लीग में खेलने के लिए 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी दिए जाएंगे। एसएसबी कांस्टेबल भर्ती के 1522 पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए आवेदन की तारीख गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ा दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 20 दिसंबर 2020 तक जाकर आवेदन कर सकते हैं। दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी 27 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल दे दी गई है। इस भर्ती के जरिए ड्राइवर, लैबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, कारपेंटर, प्लंबर, टेलर सहित कुल 1522 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अशोक चौधरी ने स्कूल खोलने पर दिया अपना बयान। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय को तत्काल संभाल रहे अशोक चौधरी ने स्कूल खोलने को लेकर अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोविड-19 के माहौल को देखते हुए बिहार में अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। पढ़ाई के लिए हम छात्रों की जिंदगी को मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। कोविड-19 का प्रभाव अभी टला नहीं है। दिल्ली में कोविड-19 के मामले तेजी से फैल रहे हैं। इसे देखते हुए हम बहुत सोच विचार कर स्कूल खोलने पर फैसला करेंगे। हरियाणा में स्कूल खोलने पर कई छात्र में और शिक्षकों में संक्रमण फैला था, इसके बाद स्कूल बंद करना पड़ा था। हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। बिहार विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्य ने ली शपथ। बिहार विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ले ली है, जिसके बाद बीते दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे विधान परिषद सभागार में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह नवनिर्वाचित सदस्यों को उन्होंने शपथ दिलवाई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। नए सदस्यों में जदयू भाजपा और भाजपा के 2-2 जीत कर आए सदस्य भी थे। शिक्षक और स्नातक कोटे से 8 सदस्य 12 और 13 नवंबर को चुनकर आए हैं, जिसमें नीरज कुमार, देवेश चंद्र ठाकुर, सर्वेश कुमार, डॉक्टर एनके यादव, नवल किशोर यादव, संजय कुमार सिंह, केदारनाथ पांडे, मदन मोहन झा का नाम शामिल है।
12 वोट से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव कोर्ट में आज करेंगे अपील। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी राजद और जदयू एक भी मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का, जिसके परिणाम स्वरूप अब कम वोटों से हारने वाले नेता कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार महज 12 वोटों से हारने वाले राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने अपनी हार को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। 23 तारीख को शक्ति यादव कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। महागठबंधन के एक दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जो काफी कम अंतर से चुनावी मैदान में पीछे रह गए। इसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी हार को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं उम्मीदवारों में से राजद के हिलसा से राजद उम्मीदवार शक्ति यादव भी हैं। पटना पहुंचते नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बावजूद बिहार में राजनीति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीधा पटना पहुंचते ही सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार का जो जनादेश था वो बदलाव का था। सब लोग जानते थे मेवालाल पर किस तरह के मामले दर्ज है, इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया जाता है। जब वो जीत कर आते हैं तो उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अभी तो दागी दर्जनों मंत्री है जिन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में मुजफ्फरपुर का वाकया भी हुआ था, वो भी मंत्री बनकर घूम रहे थे। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों को किया खारिज। बिहार में मंत्रियों के दागी होने के ऊपर उठाए गए सवाल पर जदयू मंत्री नीरज कुमार ने सफाई पेश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस बार एनडीए सरकार की प्राथमिकता में नीतीश कुमार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी सरकार का लक्ष्य है। वहीं तेजस्वी यादव की आधी से ज्यादा मंत्री के दागी होने की बात पर भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी सरकार के मंत्रियों पर किस तरह के आरोप है, जिस पर आरोप है उनका नाम भी तेजस्वी को बताने चाहिए। नीतीश सरकार में उनकी पार्टी जैसा कोई आरोपी नहीं है, खुद भ्रष्टाचार मामले में कुल शिरोमणि है। इसके पीछे क्या रहस्य है यह भी जनता को बताना चाहिए। देशव्यापी हड़ताल को माले देगा सक्रिय समर्थन। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके तहत भाकपा के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि ऑल इंडिया सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन सहित सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को आयोजित देशव्यापी आम हड़ताल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई, गुलामी के चार श्रम कानूनों और कंपनी राज निजीकरण और देश के संसाधनों को बेचने तथा संविधान और लोकतंत्र पर हो रहे गलत बर्ताव के खिलाफ आयोजित यह देशव्यापी हड़ताल देश बेचू मोदी सरकार को करारा राजनीतिक जवाब होगा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार को विकसित बनाने की कही बात। मुजफ्फरपुर पहुंची उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बीते दिन सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ से उठाए गए कदमों की सराहना की, साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा विकास का है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से युवाओं को उद्योग लगाने के लिए भी कहती हूं, साथ ही मुजफ्फरपुर शहर में जल जमाव को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। साथ ही सभी लोगों को यह आश्वासन दिया है कि जल जमाव की समस्या से जल्द निजात दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1930 में भारतीय अभिनेत्री गीता दत्त का जन्म हुआ था। 1937 में देश के प्रख्यात भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी और पुरातत्वविद जगदीश चंद्र बसु ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1983 में देश की पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को कोर्ट ने भेजा 14 दिन के न्यायिक हिरासत में। एनसीबी की छापेमारी के बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को एक्सप्लेन्ड कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत इन दोनों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश करने से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इनका मेडिकल करवाया था। आपको बता दें कि भारती सिंह के मुंबई वाले घर पर एनसीबी ने शनिवार को छापेमारी की थी और उन्हें घर से गांजा मिला था, जिसके बाद एनसीबी ने भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया को हिरासत में ले लिया था। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि एनसीबी उन लोगों को हिरासत में ले रही है जो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, वे एडिक्टेड हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लेना चाहिए बल्कि उन्हें रिहाब भेजना चाहिए। एडम जंपा ने विराट कोहली के बर्ताव को लेकर किया बड़ा खुलासा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों अपने पूरे टीम के साथ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है। वहीं विराट कोहली के मैदान में बर्ताव को लेकर एडम जंपा ने कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोहली वो नहीं है जो आप उनको मैदान में देखते हैं। वो अपनी इंटेंसिटी को गेम और ट्रेनिंग के दौरान लेकर आते हैं। उनका कंपटीशन से प्यार है, वो हारने से काफी नफरत करते हैं। वो बाकी सभी लोगों के मुकाबले खुद को ज्यादा दिखाते हैं। एक बार जब वो मैदान से बाहर निकल जाते हैं तो वो एकदम चिल इंसान है। कोहली के साथ बात करने में काफी मजा आता है। उन्होंने कहा कि एक बार कोहली ने उनको अपना नेपाल जाने का किस्सा भी सुनाया था। व्हाट्सएप ने आर्काइव चैट को रिप्लेस कर रीड लेटर के फीचर को लाने की
कर रहा है तैयारी। व्हाट्सएप एक साल से अधिक समय से वेकेशन मोड पर काम कर रहा था, लेकिन व्हाट्सएप ने फिर से इसको लेकर टेस्टिंग शुरू कर दी है। व्हाट्सएप अब वेकेशन मोड के साथ एक लेटर रीड फीचर पर काम कर रहा है, जो आर्काइव चैट को बदल देगा और यूजर को चैट पर ज्यादा कंट्रोल भी देगा। WA बीटा इन्फो ने व्हाट्सएप के इस फीचर को स्पॉट किया है। बताया गया है कि iOS के लिए 2.20.130.16 पर बीटा वर्जन पर देखा गया था। रीड लेटर फीचर को लेकर व्हाट्सएप के एंड्रॉइड ऐप पर भी टेस्टिंग की जा रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल की क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,900 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,900 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबलू कुमार शर्मा, संदीप कुमार, अजय कुमार यादव, विकास कुमार, सुरेश शाह, विकास कुमार, विवेक कुमार सिंह, प्रियंका भारती, नेहा सिंह, बंधु झा, रणधीर कुमार पासवान, चंदन कुमार, विवेक कुमार सिंह, रविन्द्र पासवान, मनोज कुमार, विजय यादव, सुदामा यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के माहौल को देखते हुए बिहार में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।